ओम साई राम सभी के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आज मैं आपको एक प्रश्न पर चर्चा करूंगा, जो प्रश्न है कि कुछ लोग पूजा करने जब जाते हैं तो वो दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के साथ साथ वो उसी दीपक से अगरबत्ती या धूपबत्ती या दूसरा दीपक जलाते हैं। मैं आज इसी प्रश्न पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा भी क्यों नहीं जलाना चाहिए, इससे क्या होता है, क्या आपकी पूजा फिर लगती है या नहीं, या वो दीपक खंडित हो जाता है या नहीं। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, जैसा कि पूजा तो सभी घर में होती है, प्रत्येक घर में पूजा होती है और प्रत्येक सनातन धर्म में दीपक तो जलता ही है, सबके यहाँ हर एक के यहाँ दीपक जलता है। देखा होगा जब आप लोग दीपक जलाते हो, जैसे पूजा करने जाते हो दीपक जलाते हो, तो दीपक तो जला देते हो परंतु थोड़ा सा समय बचाने के लिए उस दीपक को जल्दी जल्दी में उसी दीपक से दूसरे दीपक को जलाने लग जाते हो। जो दीपक आपने पहले जलाया था उसी दीपक से आग लेके तीली वगैरह से दूसरे दीपक को जला देते हो, और फिर अगरबत्ती जैसे जलाते हो या धूपबत्ती जो भी जलाते हो वो भी उसी दीपक से जला देते हो। तो मैं जो ऐसा करते हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, ऐसा करने से हमारा जो दीपक जला हुआ है पहला, वो खंडित हो जाता है, क्योंकि जब हम उससे अग्नि ले लेते हैं तो वो अग्नि अपवित्र हो जाती है और ईश्वर को कोई अपवित्र चीज़ पसंद नहीं होती है। इसलिए ऐसा जो भी करते हैं वो आज से ही बंद कर दें। और तो मैं अगर दूसरा दीपक जलाना है तो दूसरी तीली से जला दो, या फिर अगरबत्ती या धूपबत्ती आपको जैसे भी जलानी है वो दूसरी तीली से जला दो, परंतु उस दीपक से मत जलाओ जो आप पूजा कर रहे हो, फिर उस पूजा का तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा। और कुछ भक्त बाबा के कहते हैं फिर कि बाबा हम आपकी हर रोज़ पूजा करते हैं, हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा आपकी पूजा से। लाभ तो तभी होगा जब तुम पूजा एक अच्छे से करोगे, पूजा तो तुमने पहले ही अपनी अपवित्र कर ली है। और मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूँ, जैसा आप दीपक जला देते हो, जैसे आप पूजा कर लेते हो, तुम्हारी जब पूजा समाप्त होती है तो थोड़ा सा जल लेना हाथ में, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर, और जिस भी इष्ट देव की अपने की आप पूजा कर रहे हो उस जल लेकर आपको कुछ भी बोलना है, जैसे बोलना है कि हे भगवान, मैंने जो पूजा की है उसे सफल करो मेरी पूजा को, मुझे मेरी पूजा का फल देना मेरे प्रभु, मेरी पूजा को सफल करना। और उस जल को लेके, वो जल आपके सीधे हाथ में हो और दूसरा हाथ भी लगा हुआ होना चाहिए, और उस जल को जो आपका दीपक जल रहा है, जो आपने पहला दीपक जलाया है, कोई लोग होते हैं कि एक दीपक जलाते हैं, कोई होते हैं दो दीपक जलाते हैं, कोई पांच दीपक जलाते हैं, और अगरबत्ती जो जलाते हैं वो अलग से जलाते ही हैं महक के लिए, भगवान को प्रश्न करने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको, जो दीपक आपने पहला जलाया है उस दीपक के चारों तरफ उस जल को फैला दें और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, और उससे पहले अग्निदेव को प्रार्थना करें, हे अग्नि माँ हमारी पूजा सफल करें, हमारी पूजा आपके ही माध्यम से हमारे इष्ट देव तक पहुंच रही है, और हमारी पूजा को सफल करवाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, हम आपके आभारी हैं, हमारी पूजा को सफल कराएं, और अब आप शांत हो जाएं। जैसे आप पूजा करके उठोगे, जैसे जैसे घी खत्म होता जाएगा उस दीपक से, अग्नि माँ शांत हो जाएंगे, और आप ऐसा नहीं बोलोगे तो भी अग्नि शांत होंगे, परंतु
ऐसा बोलने से हम उनको एक सम्मान देते हैं और वो हमसे ऐसा बोलने से प्रसन्न हो जाती हैं और हमारी पूजा को हमारे इष्ट देव के चरणों तक जल्दी ही पहुंचा देते हैं। और हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो हमारी पूजा बीच में ही नकारात्मक शक्तियां रोक लेती हैं और वहाँ अग्निदेव कुछ नहीं करते, जैसा हो रहा है वैसा देखते रहते हैं। परंतु जब हम उनसे ऐसा बोलते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं और हमारी पूजा भक्ति को हमारे इष्ट देव के चरणों तक लेके जाती है। हमारी पूजा अग्नि माध्यम के ही द्वारा हमारे ईश्वर के पास तक, ईश्वर के करीब तक पहुंची जाती है। इसलिए आज से ही ऐसा करना चालू कर दें और एक दीपक से दूसरा दीपक कभी ना लगाएं, ना कोई दीपक से अगरबत्ती जलाएं, ना धूप बत्ती जलाएं और अपनी पूजा को ऐसा करके खंडित ना करें, अपनी पूजा को पवित्र ही रहने दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। ओम साई राम।